कहते हैं बुखार के बाद में सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, तो जिस्म में जो अपनी हरारत है वो भी खत्म हो गई है, तो फिर ऐसा ही होगा। देखिए मैंने पहले जो कहवा बताया, मैं ज्यादा उसकी क्या डिटेल बताऊँ, उसकी तारीफ भी काफी है, उसका नाम ही काफी है। उसमें उसमें डाली थी हमने ग्लो, तो ग्लो जब भी किसी भी कहवे में जाएगी वो इंशाल्लाह इफेक्टिव भी होगा, तो बुखारों को दूर करने के लिए, मेथे को ठीक करने के लिए भी काफी है, और हमारे जो है ना निजामे हजम को ठीक करती है, ग्लो हमारे बुखार को निकालती है और हमारे लीवर को डिटॉक्स करती है। तो लीवर के अंदर जो टॉक्सिन रुके होते हैं वो लीवर को बीमार करते हैं, तो क्यों ना ये भी ऐसा ही करें कि छोटी इलायची अदरक सौंफ और ग्लो वाला जो कहवा है वो पिए, तो इंशाल्लाह इनका ये जो प्रॉब्लम है हल हो जाएगा। और इससे पहले मैं एक रेमेडी मैंने बताई थी, अगर ये भी वही इस्तेमाल करें तो सुन हाथों का इलाज बड़े अच्छे से हो सकता है, सुरंजा शीरी, सुरंजा तल्क और सोडा बाइकार्ड वाला, ठीक है। तो सोडा जो होता है ना, ये खाने वाला जो सोडा था ना वो वाला इस्तेमाल कीजिएगा। सुरंजा शीरी अगर 20 ग्राम लेनी है, सुरंजा तल्क भी 20 ग्राम लेनी है, और 5 ग्राम इसमें सोडा जो है खाने वाला सोडा इस्तेमाल कर ले, तो ये तकरीबन हाफ टी स्पून बस इस्तेमाल करना दिन में 2 बार खाने के बाद, तो इंशाल्लाह इनका वही मसला है ना कि सुन हो जाता है वहां पे, आसाब डैमेज होते जा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि कुलियात जो है वो हरकत में आ जाते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, ये कमेंट्स भी हमारे माशाल्लाह से हरकत में आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह जी आप भाई साहब ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, आप ठीक इंशाल्लाह हो जाएंगे, और वरना फिर हमारे चैनल पे लाजमी विजिट कीजिए। अगर फिर भी हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आपका नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।